हेलो फ्रेंड्स, पम्मी कुक के स्पॉट रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं सेवई उपमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह एक फेमस साउथ इंडियन डिश है। वैसे तो सेवई से मीठी खीर बनाते हैं, लेकिन आज हम सेवई का नमकीन नाश्ता बनाने जा रहे हैं। इसे बनाने की विधि अनु उपमा के जैसे ही है, लेकिन इसमें मुख्य सामग्री सेवई है और साथ में मिश्रित सब्जियां भी डाली गई है। अगर आपके पास नाश्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप ये सेवई उपमा बनाइए और झटपट से बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं सेवई उपमा की रेसिपी। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। उसमें 1 टेबल स्पून घी डाल करके गरम करेंगे। घी हमारी गरम हो गई है, अब मैं उसमें सेवई को डालकर भून लूँगी। मैंने 1 कटोरी सेवई लिया है। सेवई को मुझे सुनहरा भूरा होने तक भून लेना है। इसे भूनने में मुझे आधा मिनट लगे हैं। सेवई हमारी भून गई है। अब मैं दूसरे बर्तन में पानी उबलने के लिए चढ़ा लेंगे। पानी हमारी उबल रही है, अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल दूंगी। पानी हमारी गर्म हो गई है, अब मैं उसमें भुना हुआ सेवई डालकर उबाल लेंगे। सेवई को डालने के बाद इसे मुझे 1 मिनट लगे हैं उबलने में। सेवई उपमा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, सेवई हमारी सॉफ्ट हो गई है। इस तरह से मैं हाथ से दबा करके देख रही हूँ। बस इतना ही मुझे सेवई को नरम उबालना है। अब मैं सेवई को चलनी में डालकर एक्स्ट्रा पानी निकाल लूँगी। सेवई को मैंने चलनी में डाल लिया, एक्स्ट्रा पानी सब नीचे गिर गई है और इसे अब मैं ठंडा होने दूंगी। गैस पर एक दूसरा कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप घी के जगह पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज में ला सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। राई और जीरा हमारी गरम हो गई है, अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच उड़द दाल को डाल देंगे। मैंने उड़द दाल डाल दिया है, अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। अब मैं इसमें रोस्टेड चना दाल 1 टीस्पून डाल दूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मूंगफली दाना डाल देंगे और उसे भी सभी दाल के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें 2 छोटा हरी मिर्च काट कर डाल दूंगी, इसे भी भून लेंगे।
भुनने के बाद अब मैं इसमें एक छोटा प्याज बारीक काट कर मिला दूंगी और सॉल्ट कर लेंगे। इसे मैं आधा मिनट भून लूंगी। मुझे प्याज को सिर्फ नरम करना है। अब मैं इसमें एक कटा हुआ गाजर, आधा कटोरी हरा मटर डालकर मिक्स कर दूंगी। इसे मुझे थोड़ी देर ही पकाना है। बस हमारी सब्जियां नरम हो जाए उतना ही। मैं कढ़ाई पर कवर लगा करके इसे एक मिनट पकने दूंगी। एक मिनट हो गई है। मैं लीड हटा लूंगी और सब्जियों को एक बार फिर से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी और एक छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी और एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक डाल दूंगी। अब चिली फ्लेक की जगह पर लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और सभी सब्जियों को अच्छे से पकने देंगे। मैंने कवर लगा करके आधा मिनट और सब्जियों को पका ली हूँ। देखिए सब्जियाँ हमारी कितने अच्छे से पक गई है। देखने में भी कितने अच्छे लग रही है, खाने में भी उतनी ही अच्छी ये लगती है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच अदरक पाउडर को भी मिला ली हूँ। अदरक पाउडर का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इन सब्जियों में उबले हुए सेवई को डालकर धीरे धीरे मिक्स कर लूंगी। मुझे हल्के हाथों से मिक्स करना है इसे। सेवई उपमा हमारी तैयार है। देखिए कितने खिली खिली हमारे सेवई उपमा बने हैं, एकदम अलग अलग हैं, आपस में चिपके भी नहीं हैं। आप भी इसी तरह से सेवई उपमा बनाइएगा, बहुत अच्छे लगती है खाने में और बहुत ही टेस्टी। अब लास्ट में मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस मिला लूंगी और हरा धनिया भी मिला लेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए तैयार है खाने के लिए हमारे टेस्टी टेस्टी सेवई उपमा। ये सेवई उपमा कैसी बनी है आप हमारे चैनल के कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। लीजिए तैयार है खिले खिले हमारे सेवई उपमा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और ऐसी ही अन्य रेसिपीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।